तो देखिए अपना प्रश्न चल रहा था आपके, हाँ बात नहीं बिल्कुल, कि अपना प्रश्न चल रहा था आपके फर्स्ट पेपर जो कि रीतिकाल है और रीतिकाल की प्रमुख कवियों की ही काव्य रचना उसमें रखी गई है, जिसमें आपका पहला आचार्य केशवदास था जो अंगद राम संवाद पढ़ा था, दूसरा आपका बिहारी था जिसने श्रृंगार नीति और जो भक्ति के दोहे लिखे थे, और ये देव जो रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। तो उन्होंने अलग अलग तरीका के पद लिखे हैं, कोई एक ही विषय से संबंधित नहीं है। आपने अब तक दो तीन चार पद पढ़े हैं, किसी का कोई कथाक्रम है नहीं, कोई अलग है, कहीं उद्धव का प्रसंग दे दिया तो कहीं नायिका की रूप छवि का वर्णन कर दिया, कहीं बसंत के पुत्र कामदेव के रूप में उसका अलग वर्णन कर दिया, कहीं कवि में जो गुण होने चाहिए कविता रचने वाले उन गुणों को बखान कर दिया, कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब इनके अलग अलग दोहे ये जो पद हैं, क्यों, जैसे अपन ने इनके जीवन परिचय में पढ़ा था कि इनका जो आश्रय रहा है किसी भी राज दरबार में वो स्थायी नहीं रहा है, इनकी जीवन में भटकाव रहा है, तो भटकने के कारण मन स्थिति क्या है, थोड़ी सी विचित्र ऐसी स्थिति है जिसमें कोई एक चीज को लेकर नहीं लिखे गए हैं, बिखराव है, तो ठीक जैसे इनके जीवन में बिखराव था ना वैसे ही इनके पदों में भी बिखराव है, कि कहीं कब विषय किस पद में कौन सा विषय है, किस पद में कौन सा विषय है, सब अलग अलग विषय से लिखे गए हैं। तो देखिए कल अपन जो बात कर रहे थे तो क्या दिया है, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए कोई नायिका है जिसके रूप छवि और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, जो कहा बीच गंगा के बीच खड़ी होकर वो नहा रही है, और नहाने के बाद उसकी जो अलके हैं जो बाल हैं बालों से गिरते हुए जो बूंद पानी की बूंद है वो मोती के समान झलक रहे हैं, उसकी सुंदरता उसकी रूप छवि उसके बारे में दिखाया गया है। तो देखिए गंग तरंगणी बीच बरंगणी, गंग तरंगणी, गंग मीन्स गंगा, गंग मीन्स गंगा, तरंगणी मीन्स लहरों के बीच में, अरे कोई स्त्री या फिर नायिका है, बीच माने बीच में, बरंगणी माने है स्त्री, अरे कोई स्त्री है जो गंगा के बीच लहरों में खड़े होकर वो स्नान कर रही है। क्या दिया, थाड़ी करे जब रूप दोती, और वो गंगा में ही खड़ी होकर क्या कर रही है, तप, तप का मतलब नहा धोकर वो भगवान को आरती वगैरह देते हैं। तो क्या दिया, थाड़ी करे जब, अब वो नहा धोने के बाद क्या कर रही है, जप कर रही है, तप कर रही है, साधना कर रही है, रूप उदोती, तो उसका रूप सौंदर्य कैसा लग रहा है, रूप उदोती इसका मतलब उसके रूप का उदय किस प्रकार होता है, अर्थात उसका रूप सौंदर्य किस प्रकार लग रहा है। अब देखिए क्या दिया है, देव, देव का भी क्या कहता है, दिवाकर की किरणें, अरे जब गंगा के बीच में खड़े हैं साधना तप कर रहे हैं तो सीधी बात है समुद्र सागर हम आप देखते हो, तो ज्यादातर सूर्य को ही अर्थ दिया जाता है, और कोई देव देवता दिखाई नहीं देता, सूर्य देव ऐसा है जो संसार में सब जगह दिखाई देता है, तो सबसे पहले उसी को अर्थ दिया जाता है। तो गंगा के बीच में कोई स्त्री है जो नहा धोने के बाद वो सूर्य को अर्घ दे रही है, साधना तप कर रही है, तो देव दिवाकर की किरणें, देव कहता है कि दिवाकर की किरणें, इसका मतलब सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय हुआ है, और दिवाकर का मतलब है कि सूर्य की किरणें अब निकल आई है, निक से विक से, जैसे ही सूर्य की किरणें निकली तो क्या होता है, निक से विक से मुख पंकज ज्योति, अब निक से, निक से का मतलब है निकलना, विक से का मतलब है खिलना, अरे जैसे ही सूर्य की किरणें खिलती है तो संसार में क्या हो जाती है, प्रतिक्रिया चालू हो जाती है नए कामों की। तो क्या दिया, निक्षे विक्षे मुख पंकज, मुख पंकज, मुख माने पंकज माने कमल, अरे मुख रूपी कमल जो दिखाए मुख पंकज दिया है, ज्योति माने आभा,
ज्योति दिया है तो आभा है, प्रकाश है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें संसार में पहुंचती है, तो फिर कमल के समान क्या खिल जाते हैं, मुख खिल जाते हैं, और संसार में बहुत सारे जो कमल जैसे फूल है ना, वो भी खिल जाते हैं। क्या दिया है? ज्योति, और उनकी आभा पूरे संसार में फैल जाती है। अरे सीधी बात है कि आभा अपनी ज्योति क्या दिखाई है इसने, मुख पंकज, अरे मुख रूपी कमल की जो ज्योति है ना, वो जैसे ही सूर्य निकलता है तो आभा फैल जाती है। क्या दिया है? नीर भरी निचरे अलके, और नीर भरी, अरे उसकी जो बाले हैं, क्योंकि औरत है तो औरत है तो नीर भरी निचरे अलके, अलके भी जो बालों की लटे है ना, उनसे क्या निचोड़ रहा है? पानी। अरे जब मून देर नहाएगी पानी में है तो पानी तो भरेगा बाल, और पानी भरेगा तो फिर वो धीरे धीरे चुचाएगी है। तो नीर भरी निचरे अलके, अरे जो नायिका थी जो पानी में नहा रही थी ना, अब उसकी अलकों में क्या भर गया? पानी। अब वो पानी है में खड़ी हुई जैसी तप कर रही है, तो उसके बालों से पानी की बूंदें टप 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 गिर रही है। क्या दिया? छूट के छलके, अरे वो बालों से छूट छूट के छलक रही है पानी में, छलक रही है मानो मांगते मोती। ऐसे लगता है जैसे नायिका की मांग से कोई मोती झड़ रहे हो, क्योंकि मोती भी सफेद होता है और इधर पानी की बूंद है वो भी सफेद होती है, तो उसकी सौंदर्य का ही तो वर्णन किया है। तो क्या दिया है? छुटके छलके, अरे मानो क्या है कि जो पानी की बूंदें जो गिर रही है ना, वो ऐसे लगती है मानो उसके मांग से मोती हैं जो छूट छूट कर पानी में गिर रहे हैं। बिजली सी जल के लपटे कण, और उसकी जो देह है ना वो कैसी चमक रही है? बिजली से। इसका मतलब चमक कांति आभा वाली है। तो जल के लपटे कण, और जो लपटे कण किसके दिखाए? बूंदों के। अरे बूंदों के जो कण है ना, जल की बूंदों के कण उसके लिपटे हुए हैं, बालों में भी है, उसकी साड़ी में भी है। तो कच जल से अंग उज्ज्वल धोती, अरे जो नायिका है उसमें क्या दिया है? कज्जल से, कज्जल से भी स्पेशल काजल होता है, ठीक है। तो अंग उज्ज्वल, अब जो धोती पहनी हुई है जो नायिका पानी में खड़ी होकर नहा रही है ना, उस धोती में क्या होती है? अरे जब कपड़े भीगते हैं तो थोड़ी सी पारदर्शिता आ जाती है, तो अंग उज्ज्वल धोती, अरे जो उज्ज्वल धोती, इसका मतलब सफेद धोती है ना, उसमें नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन स्पष्ट झलक रहा है। इस तरह से नायिका की सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। तो इस तरह के जो पद हैं उनमें क्या है कि उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। भाषा के रूप में ब्रज भाषा है देव ने जो लिखी है। अब अगला कौन सा?